हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है और मैं ये सोचता हूं हर चैप्टर के जितने भी दो दो अंक वाले क्वेश्चन हैं एक बार रिवीजन क्लास में आपको करा दिया जाए। जैसे आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 2024 का एक नया प्लेलिस्ट बन चुका है बच्चों, है ना। तो आप लोग अभी जा करके प्लेलिस्ट विजिट करें, क्रम से पढ़ाई करें। आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, सारी चीज़ें हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी आंकी प्रश्न का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूं ताकि आप लोगों को ढूंढना ना पड़े। सबसे ज्यादा डाउट रहता है बच्चों को कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंकिक प्रश्न कहां मिले। अरे भाई, ये सीरीज ही चलेगा, उसमें 11th और 12th के आंकिक प्रश्न ही रहेंगे उस प्लेलिस्ट में, तो आप लोग उसे भी देखिएगा, ठीक है। जो आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स रहेगा 11th का, तो आपका दूसरा चैनल है मुख्य रूप से, लेकिन यहां पर जो आंकिक प्रश्न का प्लेलिस्ट है तो 12th का मान लीजिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। जो भी आपका आंकिक प्रश्न रहेगा उस प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज चैप्टर 3 की बारी है जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका अनुगमन वेग क्या है, धारा घनत्व को भी परिभाषित कीजिए। बच्चों, जैसे हमारे पास एक चालक है, ठीक है, चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन जो किसी आकर्षण प्रतिकर्षण से बाहर हो जाते हैं, तो ये आपके यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जब इसमें विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो ये एक निश्चित दिशा में चलने लगते हैं। विद्युत धारा की दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो इसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से चलते हैं, उसी औसत वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग। हमने क्या कहा, फिर से समझो, किसी भी चालक की बात करें, हर एक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब हम इन चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं। इस नियत औसत वेग को ही हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी VD से प्रदर्शित करते हैं, अनुगमन वेग। चीजें क्लियर है, अनुगमन वेग क्या है बच्चों, फिर से आपको बताता हूं। कोई भी चालक होगा, चालक में अणु परमाणु होंगे, परमाणु के बाह्यतम के कोष के जो इलेक्ट्रॉन है आकर्षण या प्रतिकर्षण से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण बच्चों उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन किस चालक में पाए जाते हैं, जब इस चालक के सिरों पर हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, उसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, जो कि एक नियत औसत वेग से गति करते हैं, और इस नियत औसत वेग को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, अनुगमन वेग कहते हैं। दूसरा परिभाषा बोला धारा घनत्व। धारा घनत्व जे है एक निश्चित क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा, इसका मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर, एम्पियर, ठीक है, प्रति क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो गया। तो साथ में आप लोग मात्रक इकाई भी समझते चलो, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक किसी भी अनुप्रस्थ परिच्छेद के एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा, किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद या एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से बहने वाली जो धारा, वो धारा घनत्व कहलाती है। अब बात रही आपके नोट्स की, तो आप लोग नोट्स बनाते चले, स्क्रीनशॉट ले लो। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एक औसत वेग से प्रवाहित होती है, इस नियत औसत वेग को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। और किसी चालक की प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व का मतलब एक निश्चित एरिया में कितना धारा बह रहा होता है। चलिए अगला नंबर देखो बच्चों, क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है? नहीं, केवल धात्विक चालकों के लिए ओम का नियम सत्य है, जिसमें मान लीजिए ताप या लंबाई में परिवर्तन न हो, जैसे उसका भौतिक अवस्था बोला जाता है ना कि ओम के नियम की शर्तें कि तार की लंबाई में परिवर्तन ना हो, उसका तापमान परिवर्तन ना हो, तो ओम का नियम बच्चों केवल धात्विक चालकों के लिए होता है। और ऐसे धात्विक चालक जिसके वाह वातावरण के प्रभाव से उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, ठीक, ये चीज़ याद रखना है। तो क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है? बिल्कुल नहीं है, ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य नहीं है, केवल और केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है, ठीक है। ताकि भैया एक कंडीशन है कि ऐसे चालक जिसके भौतिक अवस्थान में परिवर्तन ना हो, ठीक। चलिए आगे देखो, उन दो परिस्थितियों को लिखिए जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। यदि ताप परिवर्तित हो जाए तो ओम का नियम लागू नहीं होगा, किसी चालक के यदि लंबाई में परिवर्तन हो जाए तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। ये दो कंडीशन है, पहले ही बताया ना कि ओम का नियम धात्विक चालकों के लिए होता है जिसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, अर्थात ताप परिवर्तन ना हो, तार की लंबाई परिवर्तित ना हो। यदि तार की लंबाई परिवर्तित हो गई तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। इसमें वही चीज तो पूछा है कि जिस कंडीशन से ओम का नियम लागू ना हो किसी चालक पर, ऐसा कोई कंडीशन जिसके कारण ओम का नियम लागू ना हो, तो वो कारण है ताप यदि परिवर्तित हो जाए या कि किसी चालक के लंबाई में परिवर्तन आ जाए, तो इस कारण से ओम का नियम लागू नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए।
एवं इसका विमीय सूत्र और मात्रक बताइए। देखो विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का होता है रो बराबर आर ए अपान एल। ये कैसे निकला? तो R डिपेंड करता है लंबाई और क्षेत्रफल पर। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है रो, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो रो बराबर आर ए अपान एल। अब यदि इकाई क्षेत्रफल हो, लंबाई भी इकाई हो, तो आपका प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। कहने का मतलब एक घन सेंटीमीटर की लंबाई, या आप ऐसा कहो कि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ, एकांक लंबाई है, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में जो प्रतिरोध होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। देखो भाई लॉजिक से आप तैयार करते हो, जैसे मैंने कहा ए का मान एक रख दिया और एल का मान एक रख दिया, मतलब एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में से जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है या जो अवरोध डाला जा रहा है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध या हम प्रतिरोधकता कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले और एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध का उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। वही चीज तो मैंने कहा भाई कि हमने कहा लंबाई एकांक हो जाए और क्षेत्रफल एकांक हो जाए। देखो जरा लंबाई एकांक हो जाए, क्षेत्रफल एकांक हो जाए, तब उसका जो प्रतिरोध होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। यानी किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल व एकांक लंबाई में जो भी प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो आपका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यदि इसकी मैं मात्रक की बात करूँ तो मात्रक आप आसानी से निकाल सकते हो बच्चों। यहाँ पर आर का होता है ओम, ठीक है, और आपका क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का आपका मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो ओम मीटर हो गया, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। विमीय सूत्र ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया था एम एल क्यूब टी पावर माइनस थ्री एक पावर माइनस टू, ये इसका विमीय सूत्र है। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, आपको शाब्दिक रूप से समझ में आ गया कि किसी एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल व एकांक लंबाई के चालक तार में जो प्रतिरोध होता है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि आपको एक ही धातु के समान लंबाई के किंतु विभिन्न व्यास के दो तार दिए हैं, किसकी प्रतिरोध अधिक होगी और किस तार का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, देखो जरा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं आपसे कहूँ जो प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब आर समानुपाती एल अपान ए। तो आर बराबर आपका रो एल हो जाएगा अपान ए हो जाएगा, यानी आर जो डिपेंड करता है लंबाई पर डिपेंड करता है और क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। लेकिन बोला ये गया कि मान लो ये आपके पास एक चालक तार है, ठीक है, इसकी लंबाई एल है और उतने ही लंबाई का एक दूसरा चालक तार है लेकिन मोटाई अधिक है। ठीक है बच्चों, मतलब यहाँ पर लंबाई सेम है, लंबाई सेम है, ठीक है, लेकिन इसकी मोटाई अधिक है। तो जिसकी मोटाई अधिक है उसका प्रतिरोध कम होगा क्योंकि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी मोटाई अधिक है मतलब उसका एक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा, इसका क्षेत्रफल कम होगा, इसका क्षेत्रफल अधिक होगा। थोड़ा शाब्दिक रूप से समझने की कोशिश करें, आप माइंड में कंसेप्ट बैठाएं, भाई ये पतला चालक तार है इसलिए इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा, तो जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा उसका प्रतिरोध आपका कम होगा। सिंपल है, यानी आर जो है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पतला है उसका जो प्रतिरोध होगा बच्चों को लंबाई पर डिपेंड करता अधिक होगा, और जो मोटा है उसका क्षेत्रफल अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, तो पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा क्योंकि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध ना तो लंबाई पर डिपेंड करता है और ना तो क्षेत्रफल पर, इसलिए दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा। ठीक, चलिए किसी चालक की चालकता को परिभाषित कीजिए। चूँकि आप लोगों को पता है बच्चों कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या बोलते हैं, चालकता कहते हैं, जिसे चालकत्व के नाम से जानते हैं। अब ये आपका प्रतिरोध है, ठीक है, अब इसके चालकता की यदि बात आ जाए, ठीक है, जिसे हम चालकत्व कहते हैं, एक बट्टा प्रतिरोध के बराबर है। ठीक है, अब यदि इसका मात्रक हो जाए प्रतिरोध का ओम, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स। ठीक, ये चीज़ जिसे हम मोह या साइमन के नाम से भी जानते हैं। किसी चालक के चालकता को परिभाषित कीजिए, तो किसी चालक का जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा वही उसकी चालकता होगी, तो चालकता बराबर एक बट्टा प्रतिरोध, चालकता बराबर एक बट्टा प्रतिरोध। क्या बोला गया, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम उसकी चालकता कहते हैं, चालकता बराबर एक बट्टा प्रतिरोध के बराबर होता है, जिसका मात्रक
ओम इनवर्स मोहो या साइमन होता है, ओम इनवर्स। ठीक है, विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए, नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखो बच्चों, पढ़ने का तरीका ये है कि ऐसी चीज़ों को आप लोग सोते समय भी यदि मोबाइल चालू करके आप सो जाएंगे तो भी याद हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सो जाएं, आप सुनते जाएं सोते वक्त में। जैसे आप वैसे भी जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो 20 मिनट तो आपको आसानी से नींद आ ही नहीं सकता है, तो ऐसे में 20 मिनट का वीडियो आप लोग लगा करके बढ़िया सोइए तो आपसे कम से कम आधे क्वेश्चन तो तैयार ही हो जाएंगे। नहीं तो वो लोग सर बोल रहे थे कि सोते समय याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग भाई इसको क्या करेंगे, साउंड स्लो करके आप कान पे लगा लोगे, धीरे धीरे करके सुनोगे और आपको नींद भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो मुझे भी थोड़ा सा हंसी आ गया, इसके लिए मैं सॉरी वापिस चाहता हूँ, लेकिन ये सही है। हम भी आज भी ऐसे करते बच्चों। क्या होता है कि जब पढ़ाई करते करते मान लीजिए अब क्या है कि काम करते करते थक गए, पढ़ने का भी मन नहीं लगता, तो क्या करो, सब लोग सॉन्ग सुनते हैं, आप बस कुछ नहीं ऐसे वीडियो ओपन करो जिससे कि केवल हम सुन सकें, सुनते जाओ, सुनने में भी बहुत चीज़ें याद हो जाती है। मान लीजिए थ्योरी पोर्शन आप याद, मान लीजिए आपके पास मान लीजिए कोई थ्योरम है तो आप थ्योरम नहीं पढ़ सकते, समीकरण नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये जो दो अंक वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे तो आप लोगों को मेमोरी में बैठाना है। तो बस भाई सोते समय क्या करो, 20 मिनट का समय लगाओ और तैयार कर लिया करो। ये चीज़ है, ये मैं अपना ट्रिक बताता हूँ, आपको जैसा लगे आप भी करिए, ठीक है। तो आप लोगों को भैया विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ध्यान रखना। मात्रा क्या होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ओके। चलिए, ठंड दिनों की तुलना में गर्म दिनों में कार इंजन को चालू करना आसान होता है, मतलब ठंडी के दिनों में ज़्यादा एनर्जी लेता है, सही है कि नहीं, और गर्मी में वैसे भी गर्म रहता है तो एनर्जी कम लेगा, सीधा पंडा और कुछ ही नहीं। तो वही कहने का मतलब यहाँ पर, यदि हम गर्मी के दिनों में कोई भी इंजन चालू करते हैं, कार का हो, टू व्हीलर हो, ठीक है, ट्रैक्टर हो, बस हो, ठीक है, डीजल पंप हो, किसी की भी बात की जाए, तो आसानी से जल्दी से चालू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा, मतलब एक प्रकार से प्रतिरोधक है तो कम होगा, जिसका प्रतिरोध कम है, लेकिन ठंड के दिनों में ना उसका प्रतिरोध अधिक होता है। इसलिए भाई साहब यदि हम कहें कि ठंड के दिनों में चालू करना थोड़ा सा कठिन होता है जबकि गर्मी के दिनों में आसान होता है, इसके कारण यही है मेन रूप से कि उसका जो प्रतिरोध होता है ठंड के दिनों में थोड़ा अधिक हो जाता है जिससे देर से वो चालू होता है, और गर्मी के दिनों प्रतिरोध कम होता है जिससे आसानी से चालू हो जाता है। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को तैयार ही करना, जैसे ट्रैक्टर में बैटरी लगा रहता है, बैटरी के माध्यम से तो हमारा चालू होता है कोई भी इंजन, तो कहने का मतलब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो जाता है ठंडी के दिनों। मैंने पहले ही बता दिया ना भाई, प्रतिरोध के कारण ही सब कुछ होता है, प्रतिरोध अधिक है तो देर से चालू होगा, प्रतिरोध कम है आसानी से चालू हो जाएगा, ये चीज़ होता है। तो ठंडे दिनों में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अधिक तथा गर्म दिनों में कम होता है, इस प्रकार ठंडे दिनों की तुलना में गर्म दिनों में बैटरी अधिक धारा प्राप्त होती है, मतलब बैटरी से अधिक धारा मिलती है जिससे कार का इंजन चालू करना आसान हो जाता है। ओम के नियम की दो सीमाएँ, ओम के नियम केवल और केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है और इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, दो ही चीज़ है ये तो पहले भी पढ़ ली है, तो इसमें क्या टाइम लास्ट। किरचॉफ के बोल्टता का नियम यानी द्वितीय नियम बोला गया है, ठीक है, किसी बंद परिपथ के लिए बताया गया, किसी बंद परिपथ के लिए उसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोध का बीजगणितीय योग, ठीक है, उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी देखो क्या बोला है कि किसी भी बंद परिपथ में जो विद्युत वाहक बल होता है, ये विद्युत वाहक बल उस परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणित योग के बराबर होता है। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन ना आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे दी किरचॉफ का नियम, बस इतना सर्च कर दो किरचॉफ का नियम और थोड़ा सा डाल दो शिव सर या शिव कोचिंग क्लासेस, हमारे हर साल की वीडियो आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये टॉपिक पर वीडियो नहीं मिल रहा है, बस एक बार आप यूट्यूब के सर्च इंजन में जाओ और वहाँ पे कोई भी टॉपिक लिख दो, लास्ट में बस शिव कोचिंग क्लासेस लिख देना, शिव कोचिंग भी लिख देना, शिव सर भी लिख देना, आपको हमारे वीडियोज मिल जाएंगे 12th और 11th क्लास के, किसी भी टॉपिक पर बच्चों आपको मिलना ही मिलना है। तो बोला ये गया कि किसी बंद परिपथ के लिए विभिन्न भागों में जो आपका ये धारा है और प्रतिरोध है उनके गुणनफल का बीजगणितीय योग बंद परिपथ में उपस्थित ये कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी जितना भी विद्युत वाहक बल बंद परिपथ में होगा उस बंद परिपथ में कितना धारा बह रहा है और कितना प्रतिरोध है उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ओके, यही चीज़ है बच्चों, ठीक। चलिए अगला नंबर देखो। अच्छा, पहला नियम आप लोगों से भी पूछा जाए, किरचॉफ के प्रथम नियम को क्या बोला जाता है बच्चों, मतलब उसकी पर नियम क्या है, तो किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या कारण है कि उच्च सामर्थ्य का विद्युत हीटर मेंस लगाने पर घर के बल्ब
घर में जल रहे बल्ब अन्य बल्बों की रोशनी कुछ मंद पड़ जाती है। जैसे ही हीटर लगाते हैं आप, आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज चालू कर दो तो आपके घर में जो बल्ब लगा है थोड़ा सा कम जलने लगेगा, मतलब उसका प्रकाश कम हो जाएगा। आपके घर में मोटर है, मोटर चालू कर दो, थोड़ा सा लाइट मंद हो जाएगा। यदि आप मान लीजिए 2-3 कूलर एक साथ चालू कर दो तो आपके घर का लाइट मंद हो जाएगा। आप घर में मिक्सी लगा दो, आपके घर का लाइट मंद हो जाएगा। इसके कारण है भैया कि वो उच्च धारा ले लेता है, धारा की जो मात्रा होनी चाहिए उसमें अधिक मात्रा में चला गया, तो जहां धारा का मान कम हो गया तो प्रकाश भी कम होगा। घर में सभी विद्युत उपकरण समांतर क्रम में लगे होते हैं, अतः उच्च समान सामर्थ्य का विद्युत हीटर मेंस लगाने पर हीटर से उच्च धारा प्रवाहित होती है। ठीक है भाई, देखो धारा समांतर क्रम में धारा बढ़ता है बच्चों, धारा अलग अलग हो जाता है, ये तो आप लोगों को सबको पता है कि धारा समान नहीं होता। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है लेकिन धारा समान नहीं होता, और समांतर क्रम में हमारे परिपथ पूरे समांतर क्रम में लगे रहते हैं। एक में ज्यादा लोड दोगे दूसरे में कम धारा बहेगी, सिंपल है, यही चीज है। एक में ज्यादा लोड दे दो तो दूसरे में धारा कम होगी, समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है अलग अलग। जैसे नदी का पानी आ रहा है, 3 नाले लगा दो तो किसी नाले में अधिक पानी किसी नाले में कम पानी, ऐसे ही धारा होता है। यदि 3 बल्ब लगा दिए तो अधिक बल्ब मान लीजिए जो वोल्टेज अधिक लेगा उसमें अधिक धारा खपत होगी, ये चीज होता है। तो ऐसे ही घर में जो भी उपकरण है समांतर क्रम में लगे रहते हैं, उच्च सामर्थ्य का विद्युत हीटर मेंस लगाने पर हीटर से उच्च धारा प्रवाहित होती है, जिससे मेंस में आने वाले तारों में अत्यधिक विभव का पतन हो जाता है। फलस्वरूप बल्ब के पर विभवांतर का मान कम हो जाता है और बल्बों की रोशनी में भी कुछ कमी आ जाती है। सीधा फंडा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि समांतर क्रम में धारा का मान बढ़ेगा, और धारा जब बढ़ जाता है बच्चों तो जहां पे बल्ब है वहां पे धारा का मान कम हुआ, विभव का पतन ज्यादा हुआ। कहां पर भाई? आने वाले तारों में अत्यधिक विभव पतन हो जाता है, फलस्वरूप बल्ब के सिरों पर विभवांतर का मान कम हो जाता है, और विभवांतर कम हुआ तो सिंपल रोशनी के मान में कमी आएगी। अगला है किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो लंबाई के समानुपाती होता है। किसी भी चालक तार का यदि लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा, जितना लंबा चालक तार होगा प्रतिरोध उसका उतना ही अधिक होगा। और क्षेत्रफल यानी मोटाई अर्थात व्यास बढ़ाओगे तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, ये चीज हमेशा याद रखना, यदि आप मोटाई बढ़ाओगे तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। अच्छा, एक फार्मूला आप लोगों को इसे तैयार रखना चाहिए, वो फार्मूला है बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जो R है वो किस किस पर डिपेंड करता है, R जो है बच्चों वो ML लंबाई के समानुपाती, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E स्क्वायर, A और टाउ। ये आपका टाउ का मतलब श्रांतिकाल है, लेकिन यहाँ पर ताप से डिनोट करते हैं अपन लोग, किसे? ताप से। उसे आपके 3 कारक हैं, एक लंबाई, एक व्यास और एक आपका तापमान, और एक पदार्थ की प्रकृति भी होती है, पदार्थ की प्रकृति आप कह सकते हो। तो पहला नंबर है लंबाई, देखो R जो है लंबाई के समानुपाती होता है, यानी किसी चालक तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी मोटाई बढ़ा दें तो, यानी व्यास बढ़ा दें, रेडियस जिसे बोलते हैं, रेडियस, रेडियस तो त्रिज्या होती है बच्चों, व्यास डायमीटर कहते हैं, तो ये आपका रेडियस हो गया हाफ वाला, और डायमीटर यानी पूरा व्यास, तो व्यास बढ़ाएंगे मतलब ये इतना मोटा है तो और मोटा हो जाएगा, चालक तार ही है मान लो, तो जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा इस चालक का तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है और व्यास अधिक बढ़ाने से प्रतिरोध कम हो जाता है, लेकिन वहीं पर तापमान की बात की जाए तो तापमान बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर, अब ताप का जो आपका कंटेंट है बच्चों ये श्रांतिकाल से मतलब है, R समानुपाती होना पान टाउ। अब देखो होता क्या है, जब चालक तार की बात करते हैं तो इसका जो प्रतिरोध है वो विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे हमने ताप बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है, ठीक है, इस समय का मान कम होता है और समय का मान कम होने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, फिर से समझो, ये विश्रांति काल क्या है, 2 टक्करों के बीच लगा समय, ठीक है, यदि समय अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा, लेकिन जब यहाँ पर तापमान बढ़ाते हैं, तापमान मतलब इसको गर्म करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की जो गति है बढ़ती है, बहुत तेज से हो जाती है, तो ये जो टाऊ का मान कम होता है प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। देखो ना कितना लॉजिक है। चलिए, ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रही हो तो उस पर सिरों पर लगाए गए विभवांतर उत्पन्न धारा समानुपाती होता है। ठीक है, यानी जो भी धारा बह रही है उसमें उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो,
तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, वी समानुपाती आई, वी बराबर आर आई, यही ओम का नियम है। और यदि प्रभावित करने वाला कारक यदि पूछ दिया जाए तो ये भी आपने ऊपर पढ़ ही लिया कि प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है बच्चों, तो ओम का नियम क्या है, किसी भी चालक की यदि भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। तो ये ओम का नियम है। जैसे ओम का नियम एक अलग सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया है, उसे भी आप लोग देख लें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। हालांकि मैं अभी लगातार आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन लाता रहूंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक रहेगा, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि इसका हैंड रिटन नोट्स आपको व्हाट्सएप में लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। छोटा सा अमाउंट है, चार्ज है, जिसे आप पे करके ले सकते हैं।